इसलिए प्रार्थना है मन की दौड़ भाग मिटाइए। आप ना स्त्री है ना पुरुष है, शरीर का नाटक कुछ वर्षों के लिए है, वो भी पता नहीं कैसी दुर्गति से शरीर छूटेगा, पता नहीं कौन कौन से दुख आएंगे शरीर में। उसके पहले ही, जैसे आग लगने के पहले पानी की व्यवस्था कर ले तो तत्काल बुझाने में हम सफल हो सकते हैं, ऐसे ही मृत्यु आग लगाएगी, उसके पहले हम हरिनाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, भगवान नाम रूपी इतना शीतल जल एकत्रित कर ले कि वो आग हमको जला ना पावे। इसलिए बहुत सावधान, प्रमाद की गुंजाइश नहीं है, प्रमाद के लिए समय नहीं है, पता नहीं किस समय कौन सा रोग प्रकाशित हो जाए। बातें बनाना अलग है, जब शरीर में भयंकर पीड़ा होती तो अच्छे अच्छे भगवान को भूल जाते हैं, अच्छे अच्छों का भजन विघ्न युक्त हो जाता है। वो तो जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनका परिपक्व भजन हो चुका है, उनमें कोई फर्क नहीं। तो जैसे धड़कन नहीं रोकी जा सकती, ऐसे भजन नहीं रुक सकता। पर जब तक कोई स्थिति नहीं है, तब तक तो बहुत सावधानी की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, प्राप्ता शेषः प्राकृतो आप्रकार भोगः प्राप्ता मुक्तयो वा समस्ताः प्राप्ता भक्तिं वैष्णवीं वा ततः किं क्वास्ते राधा दास्य सौख्या निमापि। मृत्यु लोक के भोग मिल जाए या स्वर्ग लोक के या ब्रह्म लोक के, तृप्ति तो नहीं होनी, किसी की नहीं होनी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, प्राप्ता शेषः, अशेषा माने समस्त, समस्त भोग प्राप्त हो जाए लोक और परलोक के भी, तो भी तृप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि ये मायाकृत है। थोड़ी देर ऐसा लगेगा कि शांति प्राप्त हो गई, फिर वही कामना, फिर वही भोग तृष्णा, फिर वही भोगों का भोगने का प्रयास, ये शांत नहीं हो सकता। इस लोक के तो बहुत गंदे भोग हैं, मृत्यु लोक के, ये मर्त लोक है, इसे भौम नरक कहते हैं, पृथ्वी का नरक। आप दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि आपको दिखा सकें, आप देख सकें, स्वर्ग ऐसा सुखद है कि आप मूर्छित हो जाएं वहां के सुख देख के। और वो भी भोगी हैं, वो भी कामी हैं, वो भी कामना से पीड़ित हैं, उनको भी ईर्ष्या है, उनको भी तृष्णा है। सामने से जब उनसे ज्यादा सुंदरी अप्सरा विमान पर वो विहार करते हुए देवता जाता है, उनको जलन होती है अपने में, और एक माला पहना दी जाती है, जैसे जैसे तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे वैसे वैसे माला तुम्हारी कुंभलाएगी, और जहां वो पूरी कुंभला गई तो तुम्हें सर के बल पटक दिया जाएगा नीचे, कहीं सुख नहीं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक पर है, भगवान कह रहे हैं, उन्होंने रचा है, आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सब आने जाने वाले लोक हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, प्राप्त आशेषा प्राकृतो अप्राकृतो वा, यदि तुम्हें भौतिक पृथ्वी लोक के भोग सब मिल जाए और अप्राकृत देवलोक के सब भोग मिल जाए, तो भी तुम्हारा हृदय कभी तृप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पक्का। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, फिर अपने पुत्र से 1000 वर्ष की आयु लेकर भोगी, फिर भी वही तृष्णा। तो उन्होंने लिखा कि एक भगवत विमुख अज्ञानी जीव को यदि पूरे लोक लोकांतर के जौ धान संपत्ति स्त्रियां सब कुछ प्राप्त हो जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये माया में है, कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जिसने भगवान नाम जप लिया, अपने हृदय में बात बैठा ली कि कृतकृत्यता, तृप्ति, विश्राम, शांति, सुख, परमानंद, ये भगवान के भजन में है, बस जीत गया, ये अपने हृदय में बैठालना है।
हमसे भजन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हृदय में बैठा है कि स्त्री पुरुष रुपया पैसा नाना प्रकार की भोग सामग्री। इसलिए हम भगवान के नाम का कीर्तन भी करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, प्रवचन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, सब करेंगे, लेकिन अंदर लालसा रहेगी भोगों की तो भजन नहीं चलेगा। और घर गृहस्थी के काम कर रहा है, विषय भोगों के बीच में है, पर उसके हृदय में है कि सुख और शांति और विश्राम तो श्री भगवान के नाम में है, श्री भगवान के चरणों में, उसका भजन निरंतर चलेगा। भजन, श्री पाद कह रहे लोक लोकांतर के सब भोग मिल जाए तो भी तुम तृप्त होने वाले नहीं होने वाले, मान जाओ। इसलिए धर्मयुक्त विषय भोगो, वो भगवत प्रसाद रूप है, और भगवान नाम जप करो। ये आज जो बहुत गंदी प्रवृत्ति व्यभिचार प्रवृत्ति फैलती जा रही है, इसको भोग लें, उसको भोग लें, उसको भोग लें, सुखी हो जाएंगे, सुखी तो नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे और नरक भोगेंगे। सिद्धांत से विपरीत कभी किसी का मन शांत नहीं हुआ। देखो जिन जिन ने भजन किया, अब कृतकृत्य भयो मैं, हाथ उठा के बोले अब कृतकृत्य, अब कछु नाथ न चाहिए, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। कृतकृत्यता, विश्राम, परम शांति, ये भगवान के भजन में है। श्रीपाद कह रहे हैं श्री किशोरी जी के नाम में और उनके चरणों की सेवा में जो हमें सुख मिला, ये तो कृपा है जो महापुरुष अपने अंदर की बात बता रहे हैं। उसके सामने यदि मुझे मुक्ति भी मिल जाए तो कुछ नहीं है। और भक्तिम वैष्णवीम वा, भगवान विष्णु की भक्ति भी मिल जाए तो मेरे लिए उसका महत्व नहीं। क्वास्ते राधा दास से सौख्या निमावती, जहां श्री राधा दास से है वहां ऐसा अद्भुत सुख है कि लोक लोकांतर के भोग तो विषयी पुरुष को भी तृप्त नहीं कर सकते। मोक्ष सुख की अभिलाषा नहीं है, और भगवान की एकांतिक हरि की भक्ति को भी प्रणाम है, पर हमारा चित्त तो राधा दास के सुख में निमग्न है। क्वास्ते राधा दास, क्या है ये राधा दास जो सौख्या निमाम अपी, जो मेरे हृदय को ऐसे सुख में निमग्न कर दिया कि ना मोक्ष सुख की अभिलाषा रह गई, ना भक्ति सुख की अभिलाषा रह गई, फिर लोक लोकांतर के भोग सुखों की तो बात जाने दो। इसलिए भाई समय बर्बाद मत करो, राधा 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 हर श्वास नाम जप करो। भ्राता किम मरणम मलैक निलय स्त्री पिंड भोगस्प्रिहा, रोगा को बहिरंतरुण मथन कृत जोशोथ रागा परा, कह स्वर्ग परमो ब्रजेंद्र तनय प्रेमोत्सव संगति, किम सर्वोपनिषद रहस्य परम वृंदाटवी तत्प्रियो। ए भाई क्या मरोगे नहीं तुम? हाय हाय, ये रुपया ये समेट ले, ये कर ले अपना, बड़ी बुद्धि भ्रष्ट है। रुपया का कोई महत्व नहीं, रुपया का महत्व तो उससे वस्तुएं मिलती, बस इतना महत्व है। मूल भाव तो देहाभिमानी भोग भोगने के लिए, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हे भ्राता किम मरणम, क्या तुम मरोगे नहीं? ऐसे पाप कर रहे हो, छीन झपट करके ऐसे अपराध करके धन एकत्रित कर रहे हो, लाद ले जाओगे क्या यहां से? कुछ नहीं, सुई की नोक भर कुछ नहीं, न कोई वैभव, न संपत्ति, न पद, न प्रतिष्ठा, न डिग्री, कुछ नहीं, न ये शरीर, न ये तुम्हारे नाना प्रकार के उपाय, कुछ नहीं तुम्हें बचा सकेंगे। हे भ्राता किम मरणम, मरोगे नहीं क्या? क्यों मनमानी पापाचरण करते हो? मलय निलय स्त्री पिंड भोगस्प्रिया, मलयुक्त मूत्र द्वार, क्या इन्हीं भोगों से परम पद परम सुख चाहते हो? देखो महापुरुष जन लोक लज्जा के ऊपर उठे हुए हैं, वो इसलिए खुली बात समझा रहे हैं। क्या है स्त्री पुरुष के शरीरों में, क्या है? धर्मयुक्त काम मैं हूं, भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन जब करते हैं। अगर धर्म शास्त्र के अनुसार पाणिग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति क्रिया की जाती है तो भगवान कहते धर्मयुक्त काम मैं हूं। काम निषेध नहीं है, अधर्मयुक्त काम निषेध है। धर्मयुक्त संतान की उत्पत्ति के लिए ये काम क्रीड़ा है,
अगर तुम्हारी रुचि गृहस्थाश्रम में नहीं तो आप भले घर में रहो, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहते हुए भगवान का चिंतन करते हुए समाज सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त हो। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य का नाश, सोच में ब्रह्मचर्य का नाश, अपवित्रता में जीवन, ये बुद्धि बदलती चली जा रही समाज की। आप हमारी आत्मा हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति परमानंद की प्राप्ति के लिए कभी जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो तो हमारे वचनों का मनन करना कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मलमूत्र के ही द्वार हैं? भ्राता किम मरणम, पहले तो हे भाई क्या तुम मरोगे नहीं। दूसरा मलैक निलय, जहां से मल निकलता है उन द्वारों में प्रीति करते हो। स्त्री पिंड भोगास्प्रिया, ये क्या है शरीर, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, इसी राग से तो तुम्हारी दुर्गति हुई है। भोगस्प्रिया, भोग की आकांक्षा। देखो हमारे शास्त्रों ने घुमा के वैराग्य में लाने की कोशिश की है। जैसे कोई भोग के बिना नहीं रह सकता, तो उसके लिए पाणिग्रहण संस्कार, उसके लिए गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म में भी एक सीमित कर दिया गया, अगर आपके अंदर काम वेदना है तो एक पद्धति शास्त्री रखी गई है। शास्त्री पद्धति के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए आप अपनी पाणिग्रहण की हुई पत्नी में संतानोत्पत्ति की भावना से, अन्यथा आप संयम से रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, जीवन को भगवान के मार्ग में बढ़ावें। इसलिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ। ये भोगों की छूट नहीं दी गई कि आपका ब्याह हो गया गृहस्थी में। देखो अगर आप संयम से चलेंगे तो भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे और भोगों का भी धर्म पूर्वक भोग भोगते हुए आप निकल जाएंगे। ब्याह हो जाना कोई तुम्हारे लिए लाइसेंस नहीं मिल गया कि आप मनमानी व्यभिचार करो। ये अंबिका अंबालिका के पति विचित्र वीर, क्या नाम था, विचित्र वीर महाराज, इसी भ्रम में हो गए थे कि हमारा तो सौभाग्य हो गया। भीष्म पितामह जी अपहरण करके 3 राजकुमारियों को लाए थे, अंबाजी ने तो स्वीकार ही नहीं किया विचित्र वीर को। विचित्र वीर इतने आसक्त हो गए इन दोनों राजकुमारियों में कि कुछ ही दिन में उनको रोग हो गया, राजक्षमा, और शरीर पूरा हो गया। एक शरीर है, इसकी एक धर्मयुक्त सीमा है। आप अपनी सीमा में संतानोत्पत्ति के लिए नहीं कहने, क्या है मलैक निलय स्त्री पिंड भोगस्प्रिया। जब तक आप मन के द्वारा ऑपरेशन करके नहीं देखोगे तब तक आसक्ति बढ़ती रहेगी। कुछ नहीं भाई, हम तुम सब यही बोल रहे हैं लेकिन आसक्त उसी में है। यही भगवान की प्रचंड माया है। ये जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक इससे नहीं निकल सकते, खुली बात है। खूब डट के नाम जप करो, देखो आपको घृणा होने लगेगी, घृणा होने लगेगी। नाम जापक भगवत प्रेमी श्री अम्बरीश जी महाराज नवीन नवीन रानिया है, एक मिनट फुर्सत नहीं ठाकुर जी की सेवा से। भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और चक्रवर्ती सम्राट राजपद भी संभाल रहे हैं। एक भी स्प्रिया भोग की नहीं है। ऐसे महापुरुष की दुर्वासा जैसे त्यागी महापुरुष भी उनके सामने नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए और कहा मैं आज देखा भगवान के भक्त की कैसी अपार महिमा है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप मरेंगे तो आप इतना तो समझ लें, रोगा को वहिरंत रुन मथन कृत, कौन ऐसा शरीर है जिसको रोग ना हुआ हो और रोग मत करके अपने अधीन कर लेता है। ए अभी जिन जिन को है वो अनुभव कर रहे होंगे, जब हर समय पीड़ा, हर समय कष्ट ही कष्ट, कितना लड़ोगे, एक दिन उसके पक्ष में हो ही जाओगे, रोग के पक्ष में कि हां मैं रोगी हूं। और जहां ये स्वीकार किया भजन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। जब तक ये लड़ लड़ करके सुन, नहीं मैं रोगी नहीं, शरीर रोगी होगा, नहीं नहीं, तो कितना खींचोगे, कितना हर समय वो चढ़ा बैठा है। कह रहे हैं रोगा को वहिरंत रुन मथन कृत, ऐसे मंथन करके या पीड़ा, ये जिम था रहा है, ये परेशानी। अब चिंतन परेशानियों का कि प्रभु का, कह रहे होश में हो जाओ। पहली बात तो हे भ्राता किम मरणम, क्या भाई तुम मरोगे नहीं, तो क्यों पापाचरण कर रहे हो, नाम क्यों नहीं कमा रहे, भगवान के चरणारविंद का चिंतन क्यों नहीं कर रहे। नाम कमाने को मतलब भगवान नाम रूपी धन।
अगर तुम आसक्त हो तो किन में आसक्त हो? बड़े बुद्धिमान बनते हो, मलमूत्र के द्वारों में ही तो आसक्त हो, और इस आसक्ति का फल होगा रोगा को, भोग में रोग की वृत्तियां प्रकट हो जाती हैं, नाना प्रकार के रोग, और वो तुम्हारे मन को मथ कर पीड़ित कर देंगे। फिर और भी इतनी समस्या थोड़ी है, बोले द्वेषोथ रागः बर्हा, किसी से राग हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा, दोनों जलाते हैं। राग जलाता है मोहासक्त करके, और द्वेष जलाता है क्रोधासक्त करके। बहुत पुण्य कर लोगे तो स्वर्ग जाओगे, पुण्य छीने मृत्यु लोक के विशंति, फिर यही मरोगे आपके मृत्यु लोक में, कहां स्वर्ग, तो क्या होगा स्वर्ग जाने से? इसलिए मेरी बात मान लो। श्रीपाद करे परमो ब्रजेन्द्र तनय प्रेमोत्सव संगति किम सर्वोपनिषद रहस्य परमम वृंदाटवी तत्प्रियो। श्री वृंदावन में विराजमान ब्रजेंद्र तनय श्री लाल जू और उनकी प्रिया श्री किशोरी जू, इनके चरणों का आश्रय ले लो। उपनिषद जिस तत्व को नेति नेति कहता है, यहां वो दोनों खेल रहे हैं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधारस चाख्यो, यहां दोनों खेल रहे हैं। ऐसे उपनिषदों के परम रहस्य श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम रूप धारण करके युगल सरकार खेल रहे हैं, इनका आश्रय ले लो। अहो वृंदारण्यम मधुर मधुरम सुंदर तमम भवेद भातम निश्रेयस म्यूषताम शाकृति चिरम। अहो मधुर से मधुर वृंदावन, बड़ा कृपालु वृंदावन है, कृपालु अद्यातद्भुत गुणगणई रुज्ज्वल तमः समः श्रेष्ठोपि त्वं कियदिव चिरं हन्त न भवे। परम कृपालु वृंदावन, सब अपराध तुम्हारे क्षमा कर देगा। उज्ज्वलतम समदर्शिता जैसे महान सद्गुण तुम में भर देगा, प्रेम प्रकाशित कर देगा। ये आश्चर्य की बात नहीं, ये प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करने वाला वृंदावन मधुर से मधुर और सुंदर से सुंदर। अहो धन्य है वसंतो संतोषादि यदा पराधांकुर भृते न सद्राधा कृष्णो प्रणय रस सारानुभविनः। इस महामधुर परम कृपालु समदर्शिता आदि सद्गुण प्रदान करने वाले प्रेम रस में डुबोने वाले वृंदावन में जो चिरकाल तक के लिए वास का नियम ले लेता है, वसंतो और असंतोष आदि हम वृंदावन वास में कभी संतोष न धारण करें। किस बात का? कई वर्ष से रह रहे हैं, चलो घूम लेते, नहीं हर समय इस बात का संतोष, वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता। तो चाहे जितना बड़ा यहां अपराध बन जाए, उसे प्रिया प्रीतम कभी छोड़ते नहीं, जो अखंड वृंदावन वासी है उसके लिए है। ये महामधुर रस प्रदान करने वाला समदर्शिता आदि सद्गुण प्रदान करने वाला परम कृपालु वृंदावन, जब कोई वृंदावन के प्रति इतना प्यासा हो जाता है कि एक क्षण के लिए वृंदावन छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं, तो फिर उससे कितना भी भारी महत अपराध बन जाए, वृंदावन उसे नहीं छोड़ेगा, प्रिया प्रीतम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये विश्व ये पकड़ो, ये बातें पकड़ लेने से हमारा हृदय निश्चिंत हो जाएगा। वसंतो संतोषादि यद अपराधांकुर भृतेर तो न सद राधा कृष्ण प्रणय रस सारानु भविना। सी प्यारे जो से जरूर प्रेम प्रदान करते हैं, उसको महत अपराध होने पर भी कभी नहीं त्यागते हैं। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम वृंदावन वास करें, प्रिया प्रीतम का चिंतन करें। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं, पता नहीं किस समय कौन भयानक रोग धारण कर ले अपना स्वरूप, जिससे हम प्रिया प्रीतम का चिंतन करने की योग्यता ही खो दें। आज यावत स्वस्थमिदम कलेवरम, आज हमारा शरीर सुमिरन लायक है, तो हम डट के नाम जप करें, अपनी इंद्रियों को संयम में रखें, खूब भगवत लीलाओं का गायन करें।